दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। पहले आप सभी बंधु पत्रकार बंधु को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा हमको बोलने का मौका दिया जाए। पहले तो हम अपने सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है, हम बहुत दिन पहले ये घोषणा किए थे कि 10 तारीख को हम बताएंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं। तो मीडिया बंधु से सवाल था कि आप 10 को क्यों घोषणा करेंगे, पहले बता दीजिए। तो हमने कहा था कि हम अपने जनता जनार्दन से मिलेंगे और मिल के राय लेंगे कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। ये मेरा मकसद था कि हम अपने मालिक, अपने भगवान से राय ले, जो हम घूमे फिरे, लोगों से मिले, लोगों की राय मिला मुझे, और लोगों की राय है, मेरी जनता जनार्दन की राय है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन को फिर से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राय दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। और मेरा मकसद चुनाव लड़ने का एक ही है, मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं अपने सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूँ, जनता के लिए लड़ने आया हूँ, जनता की आवाज दिल्ली तक पहुँचाने का काम करने आया हूँ। मैं अपने सिवान को जो वादा किया था नगर परिषद में, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। मैं पूरे जिला का जो वादा, आज मैं शपथ लेने आया हूँ, जो संकल्प ले रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ, जनता के द्वारा अगर मैं चुनाव जीत के दिल्ली जाता हूँ, तो जो सिवान में जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें मेन विश्वविद्यालय सिवान के लिए 14 ब्लॉक में 14 स्टेडियम, जो खेल कूद के लिए सब जरूरी है, युवा भाइयों के लिए, युवा बहनों के लिए, चाहे बुजुर्गों को टहलने के लिए, अग्निशमन, जो हम लोग प्यास लगता है तो इनार खोदने के जो काम करते हैं, जब आग लग रहा है देख रहे हैं आप लोग मीडिया बंधु, तो गाड़ी के लिए एक गाड़ी या फोन घुमाया जा रहा है, एक जल रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, पता चला यहाँ भी जल गया वहां भी जल गया, उसके लिए 14 ब्लॉक में 14 अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पे गाड़ी की व्यवस्था हो, ऐसे बहुत सारे मेरा मैनिफेस्टो में होगा जो सिवान के विकास के लिए होगा, सिवान के आवाम के लिए होगा। और मैं जो ये सोच लेकर आया हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी जनता जनार्दन, मेरे भगवान को पता है कि मैं कुछ करने आया हूँ। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पाटे, निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। कुछ करूंगा और मैंने कुछ करके दिखाया है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे किए हुए कार्यों को मैं पूरे सिवान के लिए करना चाहता हूं, और पूरे सिवान की जनता से आग्रह करता हूं कि मुझे सिर्फ एक मौका, जो मैंने नगर परिषद में ऐलान किया था कि मुझे सिर्फ एक मौका, जनता ने मुझ पर भरोसा करके रिजर्वेशन के बावजूद भी मेरी मनोनीत बहन सेल्फी गुप्ता को चुनाव जिताने का काम किया, मेरे हाथों को मजबूत करने का काम किया, जो मैंने सिवान के इतिहास में 35 साल में जो नहीं हुआ, मैंने साल भर में करके दिखाया। ये एग्जाम्पल है, सोचिए जिस कुर्सी पे मैं नहीं हूँ, कुर्सी के द्वारा सिर्फ दूर रह के भी मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो मुझ पे एक भरोसा, हाथ जोड़ के अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने युवा भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि मुझे एक मौका, सिवान को गोरखपुर बनाने का सपना लेके आया था और गोरखपुर बनाऊंगा। अगर मैं असफल होता हूँ तो जैसे आप लोग और नेताओं को मौका नहीं देते हैं, उसे दोबारा मुझे मौका नहीं देंगे, ये मैं हमेशा कहूंगा कि एक मौका,
सिर्फ एक मौका मुझे मिलना चाहिए। आप घोषणा कर रहे हैं बाद में प्रेशर मिलने के बाद बैठ तो नहीं जाएंगे। चुनाव मैं अपने बदौलत नहीं लड़ रहा हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ होऊंगा। मैं जनता के आग्रह पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मालिक है, जनता के द्वारा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कभी किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। जनता का दबाव आएगा तो मैं मानूंगा, जनता के आग्रह पे मैं। एक सवाल, नगर परिषद चुनाव में आपने कहा था सिवान को गोरखपुर बनाएंगे और फिर लोकसभा में कह रहे थे सिवान नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। तो आप जाके देखिए कि सिवान अगर नगर परिषद गोरखपुर की तरफ बनने की तरफ अग्रसर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में लोकसभा नहीं, प्रलोभन नहीं दे रहे। मैंने काम करके दिखाया है। प्रलोभन वो लोग देते हैं जो सिर्फ कहते हैं। मैंने करके एग्जांपल दिखाया है। आप वेरिफिकेशन कर लीजिए मीडिया बंधु कि मैंने जो कहा था उस रूप में काम किया है कि नहीं। अगर कुर्सी पे नहीं होते उतना काम कर सकता हूँ तो कुर्सी पे बैठ के कितना काम करूंगा? ये प्रलोभन नहीं है, ये आप जांच कर सकते हैं। नगर में सामने सभी लोग मानते हैं और बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें जीवन यादव कर रहे हैं? नहीं नहीं, बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं, भूल जाएंगे जनता को। कई सारे काम अधूरे हैं, जवाब दे रहे हैं। बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं, हम उतने बड़े नहीं है। हम मामूली से गरीब घर के बेटा है। मेरा सोच है कि मैं कुछ करूं अपने युवा भाइयों और बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं जो ये प्रपोजल लेके आया हूं अपने सिवान के लिए, ये ना किसी ने सोचा था ना किसी ने सोचा होगा। मैं कहा ना कि मैं 14 ब्लॉक है तो 14 ब्लॉक में स्टेडियम होना चाहिए, 14 ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जरूरत है जो बोला हूँ ये मैं करके दिखाऊंगा। ये करने के लिए आया हूँ। जीवन जी, घोषणा करने के साथ जिस तरह समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कहाँ देखते हैं खुद को? नहीं, हम तो कहीं नहीं है, हम सिर्फ जनता के बीच में। जनता जनार्दन मालिक है। 4 जून को रिजल्ट पता चल जाएगा कि जनता सिंबल और सोच में किसकी जीत होगी। अगर सोच की जीत होती है तो जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। सिंबल की जीत होती है तो सिंबल की जीत होगी। अगर जनता की जीत होती है तो मेरी जीत, अगर हार होती है तो मेरी हार होगी, जनता की हार नहीं होगी। जातिगत संकोलन को कैसे तोड़ेंगे? मेरे सामने सिद्धांत होगा, जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ेगा मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ूंगा। आप निर्दलीय से लड़ाई कर रहे थे लेकिन हिना साहब के सामने है, आपके मां बहन हैं, फिर मां के सामने बेटा होगा? मां और बेटे के बीच लड़ाई नहीं है, सिद्धांत और सिद्धांत के बीच लड़ाई है। मैं सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूँ, अपने युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने जिला के लिए कुछ करने आया हूँ। मेरी लड़ाई सिद्धांत से। 10 तारीख यानी कि आज आपने समय दिया था, 20 दिन से मीडिया पे तमाम की बातें आप बयान देते रहे हैं, 10 तारीख के दिनों में जो आपके पास समय जो बचा, क्या कुछ आपने सोचा कि आज ऐलान कर दिया? देखिए, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़िए। लोगों ने मुझसे कहा, लोग मतलब जनता जनार्दन, उनसे मैं राय लिया। मैं कुछ हूँ नहीं, जो हूँ जनता के द्वारा हूँ और जनता के द्वारा ही मुझे आदेश मिला है कि चुनाव लड़िए। अब जो होगा जनता के हाथ में, जनता मालिक है, भगवान है। 2009 में तो मैं चुनाव में यहाँ था नहीं, लेकिन अगर चुनाव रणनीति और नीतिगत लड़ी जाएगी और सिद्धांत के लिए लड़ी जाएगी तो जीत सुनिश्चित है मेरी। आपने कहा था धोती कुर्ता की राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन वही धोती कुर्ता मतलब हमने एक फैक्टर कहा था, युवा की जमाना, युवा का जमाना आने वाला है और युवा ही आएंगे, सांसद विधायक और मुखिया जिला पार्षद बन के युवा आएंगे और जिले का, देश का, राज्य का विकास का काम करेंगे। और मैं युवा भाइयों के लिए लड़ने आया, युवा बहनों के लिए लड़ने आया। बहुत सारे कार्य है जो सिवान में आज तक नहीं हुआ, विकास लोग कहते हैं ही नहीं, तो विकास होगा कहाँ से? विकास के लिए विकासशील इंसान को मौका देना भी जरूरी है। आम जनता से हमेशा हाथ जोड़ के मैं हमेशा आग्रह किया हूँ कि हमेशा आप एक चीज देखिए कि जो सिंबल खरीद के आएगा उसको वोट देके आप वहाँ भेजने का काम करिएगा, कि जो सोच लेके आएगा कि मैं कार्य करूंगा उसको वोट देके दिल्ली भेजने का काम करिए। जातीय और दलगत राजनीति के संकरण को कैसे तोड़ेंगे आप? हम जातीय और दलगत नीति को तोड़ने नहीं आए, हम सिर्फ अपने सिद्धांत को लेके आए हैं, अपने कार्यों को लेके आए हैं। जब मैं बिना कुर्सी पर आके इतना कार्य किया हूँ, अगर ये जनता में चला जाए, ये मैसेज चला जाए कि जो इंसान बिना कुर्सी पर इतना कर सकता है तो आखिर कहीं ना कहीं कुर्सी में बैठ के इससे कोई गुना ज्यादा कर सकता है। नगर परिषद से अपेक्षा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें आप कहाँ चुनाव? हम कहे ना कि हम नहीं लड़ रहे,
जनता के द्वारा कही हुई बात पे हम चुनाव लड़े, जनता मालिक है, जनता भगवान है। बड़ी पार्टियां हैं, जीवन जाकर टिक पाएंगे इन पर, ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि सिंबल और सोच में किसकी जीत होती है, कौन टिकेगा कौन टिकेगा नहीं। सिंबल और सोच में जनता सोच को चुन ली तो सिंबल फेंका जाएगा। सिद्धांत से मेरी लड़ाई रहेगी, मेरी सिद्धांत है कि मैं जो सोचा हूँ वो करने आया हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है कि मैं सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूँ। जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के लिए लड़ूंगा और लड़ के कुछ करने का काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता के लिए ही आया हूँ, जनता के द्वारा काम करूंगा। जीवन यादव किसी एक प्रत्याशी को जिताने के लिए डमी अगर लगते तुम्हे, जब मैं नगर परिषद लड़ रहा था ना तब भी मुझे लोग आंकते थे कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ, और आज भी लड़ूंगा तो लोग मुझे डमी कैंडिडेट ही मानेंगे। जब चुनाव आएगा और चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि डमी कौन है और डमी कौन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का बेटा हूँ, बेटा बन करूंगा। मैं जनता के द्वारा कही हुई बात पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के द्वारा लड़ूंगा, सभी जनता जनार्दन मेरे भगवान है, मेरे मालिक है। हम तो हमेशा यही अपील करेंगे, सोच की लड़ाई में एक बार सोच पे भरोसा कीजिए, एक बार सोच पे भरोसा कीजिए।